दिस अंजलि फ्रॉम हर न्यू स्टूडियो. हम रिसेंटली शिफ्ट हुआ है एंड मेरे को पिछले स्टूडियो से ये स्टूडियो बहुत ज़्यादा पसंद है. पूरा सेटअप ही मतलब ऐसा प्रोफेशनल सा लग रहा है. आपको कैसे लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. और आज का हमारा बहुत इंटरेस्टिंग सा वीडियो है. सो वी गोना डू लाइक स्कूल लंच बॉक्सेस जैसे होते हैं ना, पूरा दिन हम खाना कुक करने वाले हैं और ये लंच बॉक्सेस में खाने वाले हैं. बहुत मतलब ऐसा बचपन की याद आने वाली है. आई थिंक मेजरली चार अलग अलग टाइप्स ऑफ लंच बॉक्सेस होते थे हमारे बचपन में. सबसे पहला इस तो दिस बेसिक सा, जो लोग थोड़ा सा कॉम्पैक्ट लाना चाहते हैं, अपने स्कूल बैग में डाल देना चाहते हैं, और हम यही वाला यूज़ करने वाले हैं ब्रेकफास्ट के लिए. बाकी ये तो बहुत कॉमन था. दिस इज द वन हु इज ऑब्सेस्ड विद द कार्टून कैरेक्टर्स. एंड लास्ट वाला इज द अंग्रेज जो बहुत ज़्यादा फैंसी चीज़ें लाता था स्कूल में. ठीक है, लेट्स गो हैव ब्रेकफास्ट. तो अभी का थीम इज लेफ्ट ओवर्स. मतलब हमारे घर में बचपन में पता है बहुत ज़्यादा वाला चिकन टिक्का मसाला ऑर्डर होता था एंड डेफिनेटली काफ़ी बार ऐसा होता था कि बच जाता था. तो मेरी मम्मी क्या करते थे, चावल बनाएंगे सुबह सुबह एंड शी वुड मिक्स इट विद दिस. हाउ नाइस डस दिस लुक, ओह माय गॉड. हाँ, तो बेसिकली व्हाट शी वुड डू, शी वुड पुट द पूरा चिकन टिक्का मसाला एंड शी वुड एड राइस एंड इसको अच्छे से मिक्स कर देते. वो इसमें से ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है. मैं खाना गर्म नहीं करते थे, वो सीधा बॉक्स में डाल देते थे. और उनका लॉजिक ये था कि लंच तक वो रूम टेम्परेचर आ जाएगा और गर्म खाना भी लंच तक रूम टेम्परेचर आ जाएगा. तो शी यूज्ड टू बी लाइक के खाना गर्म करने की मेहनत क्यों जब एंड रिजल्ट सेम ही होने वाला है. बट हम अभी खाने वाले हैं सो हम चलते हैं माइक्रोवेव के पास. जब तक हमारा चिकन गरम हो रहा है हम ऊपर के सेक्शन का बताते हैं. सो मम्मी क्या करते थे, शी यूज़ टू गिव मी रायता. आई डोंट नो आपने चिकन और चावल के साथ रायता खाया कि नहीं, बट इट इज़ रियली नाइस. उसमें मम्मा डालते थे रायता मसाला. अब आई नो बहुत सारे ब्रांड्स के रायता मसाला अवेलेबल होते हैं बट मम्मा यूज़ टू गेट इट फ्रॉम दिस चंडीगढ़ की छोटी सी दुकान. इट्स कॉल्ड महाजन स्टोर और यहाँ पे नंबर है अगर आप लोग भी लेना चाहते हो. मतलब इससे बेटर रायता मसाला डज नॉट एग्जिस्ट. आपको अपनी दही को और कुछ करने की जरूरत नहीं है. इट जस्ट टेस्ट इनसेनली गुड. हाँ, बीट करना ज़रूरी है और कुछ नहीं. चिकन चावल इज ऑलरेडी, मस्त धुआं निकल रहा है. लेट्स सेट अप ब्रेकफास्ट. थी ये मुझे नहीं याद बट कोई तो ऐड थी ऐसा. एनीवेज आई एम सो हंग्री. मैं बोली तो ब्रेकफास्ट हूँ बट टाइम 1:30 हो चुका है. बट तो वो पता है एकदम ऐसे बचपन की याद आ गई. और दिस यूज टू बी माई फेवरेट लंच. दिस मील इज अ 10 out of 10. अभी लंच के लिए हम पिक करने वाले हैं ये वाला लंच बॉक्स. आई फील लाइक ये सबसे ज़्यादा कॉमन वाला लंच बॉक्स है. हमारे ना स्कूल में ऐसा होता था, टेबल होती थी और उस पर दो बच्चे बैठते थे. आई फील लाइक उन दोनों बच्चों से मैं से एक बच्चे के पास ऐसा लंच बॉक्स होता ही होता था. मेरे पास नहीं होता था, मतलब आई डोंट नो व्हाई. सबसे पहले तो यहाँ पे देर इज अ चम्मच काइंड ऑफ अ थिंग. यार नाइस, हमारे बचपन में नहीं आती थी ऐसी चीज़ें. चम्मच वगैरह साइड पे कहीं पे घुसा देती थी मम्मी. इसके अंदर है, ओ भाई साहब ये इतने बड़े हैं. गाइस दिस इज क्रेजी. मतलब स्कूल में ना ऐसे छोटे छोटे हुआ करते थे, बड़े नहीं होते थे. बट इसमें तीन सेक्शंस है. सो आई डोंट नो इफ आप अ लॉट ऑफ यू गाइस नो दिस बट मैं चेन्नई में स्कूलिंग कर रही हूँ. तो मेरे लिए तो खाना क्या आता था, नॉर्थ इंडियन खाना आता था. बट मेरे फ्रेंड्स के पास ऐसा पूरा साउथ इंडियन खाना था, कभी इडली डोसा. एंड एक ऐसा मेरा फ्रेंड था, यूज़ टू ऑलवेज ब्रिंग कोरिएंडर राइस एंड मुझे वो इतने ज़्यादा पसंद थे, मैं हमेशा उसके साथ एक्सचेंज कर लेती थी उसका खाना. क्रेजी. सो आज हम वही बनाने वाले हैं. वी आर गोना फिल दीज टू विद कोरिएंडर राइस एंड इसमें हम एक चटनी डालेंगे. अभी थोड़ी देर में दिखाती हूँ. ये रहे हमारे इंग्रेडिएंट्स सब बनाने के लिए. तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम हमारी मिक्सी में धनिया डालने वाले हैं, फिर थोड़ा सा जीरा, जिंजर, काफी सारा गार्लिक बिकॉज आई लव गार्लिक का टेस्ट, दो तीन हरी मिर्च एंड हल्का सा पानी डाल देते हैं. ठीक है, हम कुक करना स्टार्ट करते हैं. उससे पहले लुक एट दिस क्यूट लाइटर. ओके, अभी हमारे पास ये न्यू स्टूडियो है सो ऑयल डिस्पेंसर कुछ नहीं है. वी आर गोइंग टू जस्ट ऐड इन द ऑयल लाइक दिस ओनली. डन. आल्सो डिड यू सी माय क्यूट एस मसाला बॉक्स, इट्स वेरी अडोरेबल. लेट्स ऐड इन मस्टर्ड सीड्स.
और हमें लेना है थोड़ा सा ये वाला दाल और ये वाला दाल। बारिश हो रही है बाहर। एनीवेज वी विल ऐड इन द करी लीव्स, वी विल ऐड इन प्याज। इसको अच्छे से मिक्स करना है एक दो सेकंड के लिए। पता है ऑलरेडी करी लीव का खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा है। अभी वी विल ऐड इन हमारा ये हरा वाला मिक्स, ठीक है। आपको पता है मेरे दोस्त का खाना दिखने में भी बिल्कुल ऐसा ही था, एंड मतलब ऐसे स्मेल करो ना तब भी बिल्कुल ऐसा ही स्मेल कर रहा था। अभी हम हमारा लंच बॉक्स लेते हैं एंड लेट्स फिल इट अप। लास्ट वाले में वी गोना ऐड सम कोकोनट चटनी बिकॉज माय फ्रेंड यूज्ड टू ब्रिंग इट। नाउ इट्स टाइम फॉर पैकिंग एवरीथिंग एंड दैट्स इट। आई लव दिस, इतना मुझे बचपन की याद दिला रहा है ये। ओके टाइम फॉर फूड, आई एम वेरी हंग्री, लेट्स गो। इट इज टाइम फॉर आवर लंच एंड दिस मच, इट्स सो छोटू। लेट अस टेक आउट द फूड जो हमने दो मिनट पहले इस बॉक्स के अंदर पैक करा है। एक्चुअली पता है आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी अगर जो मैंने बनाया है वो वैसा ही है जैसे मेरे दोस्त का आता था, क्योंकि मैंने इससे पहले इसको कभी बनाया भी नहीं है एंड आई डोंट नो हाउ इट्स गोइंग टू टेस्ट, बट लेट अस ट्राई। इट्स द सेम, ओ माय गॉड। और मैंने ओ माय गॉड भाई क्या बढ़िया टेस्ट है। मैंने रैंडमली गूगल पे डाला कोरिएंडर राइस, जो पहली रेसिपी आई आई टुक दैट। दिस इज सो नाइस, कोकोनट चटनी और उसका कॉम्बिनेशन इज सो नाइस। ठीक है तो इवनिंग स्नैक के लिए ना हमारे पास दो लंच बॉक्सेस जो बचे हुए हैं, एक इज तो फैंसी वाला एंड द अदर वन इज दिस, तो वी गोना पिक दिस वन। इस पे क्या कैरेक्टर है पता नहीं, कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर नहीं है बट इट्स वेरी क्यूट। और अभी का थीम पता है क्या होने वाला है, बेसिकली मेरे को ना बचपन में हमेशा मेरे दोस्त वगैरह मैगी लेके आते थे, मैं घर जाती थी ना मम्मा प्लीज़ मेरे को भी मैगी दे दो, बट माय मम्मा नेवर गेव मी मैगी। माय मम्मा यूज टू बी लाइक कि मैगी ऐसा साथ में चिपक जाएगी एंड मतलब वो पूरा हार्ड सी हो जाती है स्कूल पहुँचते पहुँचते, सो शी नेवर गेव मी मैगी। बट आज मैं अपनी वो दिली तमन्ना पूरी करने वाली, बट मैगी के साथ नहीं रामेन के साथ। कैन यू सी आई हैव अ क्रेजी कलेक्शन ऑफ रामेन, बट ये नॉर्मल नॉर्मल बुलदा की कार्बोनारा बहुत बार ट्राई करी है, बट आई रिसेंटली फाउंड दिस रोज फ्लेवर, सो हम अभी ये बनाने वाले हैं। प्लस उसके साथ मैंने चिकन पॉपकॉर्न भी ऑर्डर करा है एंड दिस इज गोना बी आवर लंच बॉक्स। Unbox हमारा बक्सा and see, guys how cute is this छोटू सा डब्बा, बाप रे I love it। इसके अंदर क्या क्या है, okay इसके अंदर there is a छोटू सा डिब्बी, फिर there is a चम्मच also, nice। अरे क्या बच्चों के लिए छोटे छोटे चम्मच, actually हाँ बच्चों को बड़े चम्मच की जरूरत नहीं है। इसके साथ में इस लंच बॉक्स में there is a cute सी वाटर बॉटल also, how cute is this। बचपन में ना ऐसे बच्चों को देखने को याद है बच्चे ऐसे घूमते थे अपनी वाटर बॉटल के साथ, और फिर प्यास लगेगी तो ऐसे खोल के। आपके साथ ऐसा होता था क्या कि कई बार आप खाना नहीं खत्म कर पाते थे स्कूल में, या स्कूल में ऐसा होता था कि यार पीटी पीरियड चले गए खाना खा ही नहीं पाए, तो वापस आके मम्मी से डांट खा के गाड़ी में खाते थे, तो हम वही करने वाले हैं। प्लस हमको टाइम हमने थोड़ा ड्राइव करा सो दैट वी कुड सी कि एक्चुअल में ज़्यादा देर रहने पे रामेन ऐसी
चिपके चिपके से हो जाती है, बट आई रियली डोंट माइंड. दिस इज द मैसेज टू मदर्स आउट देयर, कभी कभार चलता है यार, इट्स ओके. बहुत खुशी मिलती है ऐसा खाना देख के लंच बॉक्स में. एंड मेरे जब दोस्त लाते थे ना ऐसा लंच बॉक्स, ऐसा मुंह में पानी आता था और आई सुन यार कहाँ ये मेरा लंच बॉक्स होता. एनी वेज लेट्स ट्राई दिस आउट. कार्बोनारा जैसे ही है बट थोड़ी सी स्पाइसी कम है, मतलब ऐसा चीजी चीजी ज्यादा टेस्ट आ रहा है और स्पाइसी टेस्ट कम आ रहा है. पूरी एक बार चपक चुके. ओ एक और चीज पता, बचपन में ना और हमेशा अपनी वाटर बॉटल में एक चीज करने का मन होता था बट मम्मी कभी मुझे करने नहीं देती थी. शी यूज्ड टू बी लाइक, अगर तो टैंक डाल देगी इसके अंदर तो कभी भी टैंक का स्मेल जाएगा नहीं, सो शी नेवर लेट मी डू इट. बट आज अपने सारे दिल की तमन्नाएं पूरी करने वाली हूं मैं. लेट्स ऐड टैंक. ओह माय गॉड, अब नहीं मना कर सकते आप, अब तो अब आसपास हो भी नहीं. लेट्स क्लोज दिस अप. ऐसा लंच बॉक्स इज एवरी किड्स ड्रीम. मैगी होगा बच्चों के लिए, मेरे लिए अभी रामन हो चुका है. Here's what my kids are having for lunch today. So we're taking 2 pieces of bread, adding a slice of cheese and a little bit of chili flakes for flavor. They don't like sides, so I removed them and cut them into 2 so they fit easily. Then we also have some bread left from last night, so I'm adding it in with some sugar and rolling it up. I'm also making these cute mini pancakes for something sweet and adding a little maple syrup on top. For fruits, I'm adding some cut up bananas. And that's it. I will see you next time.